मंथ हम लोग अपनी जो ऐप सीरीज है उसी में ही आगे बढ़ रहे हैं और जो एक्सरसाइज मैं आज आपको बताने वाली हूँ दोज आर ऑल्सो वेरी ईजी टू फॉलो. आपको अपने रेप्स कम्प्लीट करने हैं, स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं. और हाँ, वीडियो के एंड तक जाना मत भूलिएगा बिकॉज वहाँ पर मैं हर बार आपके साथ कोई ना कोई फूड टिप भी शेयर करती हूँ. एंड आई होप कि आप मेरे साथ ही सारे वर्कआउट्स इन्जॉय कर रहे होंगे. तो चलो आ जाओ फिर आज की ऐप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले दिल से लाइक यू लाई डाउन ऑन द मैट. ओके, सो आपको अपने हाथ जो है आपके हिप्स के नीचे रखते हैं. ओके, your chest and rock side to side. हर वर्कआउट और हर एक्सरसाइज के बाद आपको छोटा सा ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है सो दैट यू कैन आई मीन गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम एक्सरसाइज एंड इन द सेकेंड सेट. बहुत आराम से करना है, जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज कभी नहीं करनी है. लेट्स कंप्लीट इट. Thank you.
करते हैं और साइड टू साइड वॉक करते हैं तो आपकी बैक एकदम से रिलैक्स हो जाती है, बिकॉज जितनी भी लोअर एब एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे बैक को स्ट्रेन करती हैं। सो डू रिमेम्बर कि जब भी हम एब एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी बैक की एक्सरसाइज करेंगे वी विल ऑलवेज रिलैक्स आवर बैक। ओके सो लेट्स मूव फर्दर। ओके सो कम इन अ हाई प्लैंक पोजीशन एंड नाउ डिड योर नी फर्स्ट क्रॉस सेंटर आउट back, cross, center, out, 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 back, relax. Come in a child pose position. Take 30 seconds off and then we'll start again with the second set of this exercise. Okay, so ready? Again, come in a high plank position. Fine. Now take your knee in a cross position first. Cross, center, out, back. 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 Cross, center, out, back, cross, center, out, back, cross, center, out, back. Now relax. We are done with this set also. Just give yourself a few seconds off and now we'll be ready for our next exercise. So let's finish with this last exercise. Just lie down and this is just like a cocoon exercise. Okay, extend your arms and legs and now when we come up, C first.
अच्छे लगते हैं, या मुझे चपाती बहुत अच्छी लगती है, या मैं स्वीट्स नहीं छोड़ सकती हूँ. सो उनके लिए है ये फूड टिप कि जिनको स्वीट्स बहुत पसंद है, कोई बात नहीं, आप लीजिए, लेकिन उसको आप करीब करीब 10:30 और 11 मॉर्निंग में ले लीजिए, सो दैट यू कैन बर्न जो कैलोरीज आपने ली है उन्हें आप बर्न कर सकें. ओके. एंड पीपल हु आर टेलिंग मी और हु आर आस्किंग मी कि हम लोग चपाती नहीं छोड़ सकते, चावल नहीं छोड़ सकते, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसे छोड़ने की, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब आप डाइट हेल्दी डाइट करना स्टार्ट करते हैं तो आप अगर दो चपाती लेते हैं तो पहले 1.5 कर दीजिए, एंड ग्रेजुअली जब आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर जाती है, धीरे धीरे हम उसको 1.5 से 1 पे लेके आएंगे. बिकॉज हमारे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर खाना जो है वो कार्ब बेस्ड रहता है, तो अभी हमको धीरे धीरे कार्ब्स को एक उसका जो पोर्शन है उसको कम करना है, एंड एट द सेम टाइम हमको प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन उनको ऐड करना है. सो उसके लिए हमको एक मार्जिन क्रिएट करना है. तो जो आप दो चपाती ले रहे हैं तो उसकी जगह आप 1.5 चपाती कर दीजिए. एंड सिमिलरली इफ़ यू आर हैविंग अ बिग बोल ऑफ राइस तो आप उसकी जगह एक कटोरी में राइस ले लीजिए, एड दाल, सब्जी एंड उसमें बहुत सारा सैलेड डालिए, उसको एक पॉट में इस तरह बना के खाइए ताकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन भी फील हो और आपको ऐसा भी लगे कि आपने एक छोटी सी कटोरी नहीं खाई है, आपने एक बड़ा बोल भर के खाने का लिया है. So this is the tip for today. So see you tomorrow again in a new episode of this app workout series. Till then, stay positive.